direct labor, indirect labor, and so on. So personnel department uses personnel action forms to activate new employees, change the pay rate of the employees, change marital status, or terminate the employees. तो मुख्तलिफ पर्सनल एक्शन फॉर्म्स जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसमें न्यू एम्प्लॉयज़ को एक्टिवेट करना, उनके पे रेट को चेंज करना. जस्ट लाइक आपको रिमेंबर होगा कि आप जो है वो जब हमसे रेवेन्यू साइकिल था तो उसके अंदर हमारे कस्टमर्स के कुछ जो थे डाटा था, जिसको हम इसी तरीके से एडिट कर सकते हैं, ऑल्टर कर सकते हैं, क्रिएट करते हैं. आपको ये सॉफ्टवेयर जो कि आप इस वक्त ट्रेनिंग ले रहे हैं इस कोर्स के साथ साथ, उसमें आप अच्छे तरीके से सॉफ्टवेयर जिसका मैं हवाला दे रहा हूँ उसके अंदर आप समझ रहे हैं कि हम ये सारी चीज़ें उसके अंदर करते हैं. सो हेयर प्रोडक्शन एम्प्लॉयज फिल आउट टू फॉर्म्स. जॉब टिकट्स अकाउंट फॉर द टाइम स्पेंड बाय द वर्कर ऑन ईच प्रोडक्शन जॉब. एक स्पेसिफिक प्रोडक्शन जॉब किसी को दी हुई है और उसके ऊपर जो है वो काम कर रहे हैं, तो वो उसके ऊपर जॉब टिकट्स के ऊपर रिकॉर्ड होगा. और टाइम कार्ड्स आर यूज्ड टू कैप्चर द टोटल टाइम वर्क्ड ईच डे पीरियड फॉर पेरोल कैलकुलेशंस. तो पूरा दिन एक शख्स जो है वो एंटर होता है एक ऑर्गेनाइजेशन की विसिनिटी में, और हाउ मेनी आवर्स डज ही स्टे देयर, तो मस्ट बी साइंड बाय अ सुपरवाइजर. यहाँ से आपको मैं अभी रेफर करता हूँ एक केस स्टडी की तरफ, जिसके अंदर मोस्ट लाइकली हमने इन द प्रीवियस वीक्स उसको स्टडी किया है, और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में उसमें फ्लॉज थे उस ऑर्गेनाइजेशन में. और वो जो टाइम कार्ड था वो एम्प्लॉयज़ जो है उसमें एंट्री और एग्जिट का टाइम खुद एंटर करते थे, एंड देट वॉज नॉट साइंड बाय अ सुपरवाइजर. सो हेयर आई एम गोइंग टू टेल यू दैट इन अ स्टैंडर्ड पेरोल सिस्टम टाइम कार्ड्स मस्ट बी साइंड बाय अ सुपरवाइजर. ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है. और देन आई कम टू कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट. यानी पहले जो है हमने बात की प्रोडक्शन एम्प्लॉयज जो कि हमारा सुपरवाइजर है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, उसके अंदर ये दो चीज़ें फिल होती हैं. उसके बाद अकाउंटिंग सेक्शन की तरफ आ जाएं तो वहाँ कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में यूजेज द जॉब टिकट्स टू एलोकेट लेबर कॉस्ट टू वर्क इन प्रोसेस अकाउंट्स. जैसे कि आप कॉस्ट अकाउंटिंग एक कोर्स भी पढ़ चुके हैं, उसके अंदर भी जो है वो आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि पहले हम रिकॉर्ड करते हैं पेरोल को और उसके बाद फिर उसको एलोकेट करते हैं वर्क इन प्रोसेस अकाउंट्स को. अगर डायरेक्ट लेबर होगी तो वर्क इन प्रोसेस अकाउंट्स को जो है वो चार्ज होगी, और अगर इनडायरेक्ट लेबर होगी तो ओवरहेड्स को चार्ज होगी. तो दिस इज़ अ लेबर डिस्ट्रीब्यूशन समरी. तो यही चीज़ कहलाती है कि लेबर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. अगर डायरेक्ट होगी, डायरेक्ट लेबर होगी तो वर्क इन प्रोसेस को चार्ज होगी, और इनडायरेक्ट होगी तो ओवरहेड को चार होगी, विच इज़ फॉरवर्डेड टू जनरल लेजर. तो ये समरीज जो हैं जनरल लेजर को भेज दी जाती हैं एलोकेशन करने के बाद. पेरोल डिपार्टमेंट रिसीव्स पर्सनल एक्शन फॉर्म्स एंड टाइम कार्ड्स. अब इसमें वो पॉइंट बीच में आ जाता है, क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले देखा कि पर्सनल एक्शन फॉर्म्स जो है वो पर्सनल पेरोल डिपार्टमेंट रिसीव करता है ऑब्वियसली, एंड उनके पास टाइम कार्ड्स भी आ जाते हैं, एंड इट यूजेस देम टू प्रिपेयर द पेरोल रजिस्टर. पेरोल रजिस्टर मेंटेन किया जाता है, इनटू एम्प्लॉई पेरोल रिकॉर्ड्स के अंदर इंफॉर्मेशन को एंटर किया जाता है, और फिर इस इंफॉर्मेशन की रोशनी में वीकली वेजेस पे की जा रही हैं या व्हाट्सो एवर कंपनी का रूटीन है, तो पे चेक्स बनाए जाते हैं, सेंड पे चेक्स टू द कैश डिसबर्समेंट्स एंड अ कॉपी ऑफ द पेरोल रजिस्टर टू द अकाउंट्स पेबल. यानी अब इसमें आप पूरे प्रूफ को देखिए कि कैश डिसबर्समेंट यानी उनकी पे को पे चेक्स को पेमेंट करने के लिए कैश डिसबर्समेंट डिपार्टमेंट को भेज दिया जाता है, और उसकी एक कॉपी जो है पेरोल रजिस्टर की जो कि अभी हम इस स्लाइड में पढ़ रहे हैं अकाउंट्स पेबल को भी भेज दी जाती है. अकाउंट्स पेबल डिपार्टमेंट के पास ये तमाम वर्किंग हुई हुई डॉक्यूमेंट्स पहुँचती हैं, और जिसकी जिन डॉक्यूमेंट्स की मदद से अकाउंट्स पेबल डिपार्टमेंट जो है एक कैश डिसबर्समेंट वाउचर प्रिपेयर करता है, जिसका मकसद जो है उसकी पेमेंट होती है फॉर द टोटल अमाउंट ऑफ द पेरोल. अब मैं दोबारा आप लोगों को जो है इसका हवाला दूंगा कि
आप लोगों ने अभी जो जिस सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं उसमें हम परचेज वाउचर जो है वो प्रिपेयर करते हैं, क्रिएट करते हैं और उसकी एंट्रीज कर देते हैं। द सेम वे कैश डिसबर्समेंट वाउचर फॉर द पेरोल भी उसी तरीके से ही प्रिपेयर होता है। तो ये आप साथ साथ अपने नॉलेज को एक्सटेंड रिलेट करते चले जाएं, जो प्रीवियसली इससे एसोसिएटेड टॉपिक हैं जो आप कर चुके हैं ये भी इसी तरीके से हैं, फॉर द टोटल अमाउंट ऑफ द पेरोल। तो सेंड्स कॉपीज टू द कैश डिसबर्समेंट्स एंड जीएल डिपार्टमेंट्स। तो ये वाउचर जब प्रिपेयर हो जाएगा कैश डिसबर्समेंट का तो उसको जनरल लेजर डिपार्टमेंट को भी भेज दिया जाएगा और कैश डिसबर्समेंट को भी। अकाउंट्स पेबल डिपार्टमेंट एंट्री करने के बाद ये बावर करवा देता है कैश डिसबर्समेंट वालों को के एंट्री हो गई है, ठीक है, और इसको आप कैश पर डिस्पर्स कर दीजिए, और फाइनल जीएल डिपार्टमेंट को भेज देता है ताकि वो इसको जो है एंट्री कर सके। तो कैश डिसबर्समेंट डिपार्टमेंट ऑब्वियसली रिव्यूज एंड साइंस पे चेक्स उसको रिव्यू करता है और फाइनल सिग्नेचर उनकी तरफ से होते हैं एंड फॉरवर्ड्स देम टू अ पे मास्टर फॉर डिस्ट्रीब्यूशन टू द एम्प्लॉयज। तो जो भी इसको पेमेंट करने के लिए जिसकी जिम्मेदारी है सुपरवाइजर है व्हाटसोएवर पे मास्टर है वो एम्प्लॉयज को दे देता है। राइट्स अ चेक फॉर द पेरोल एंड डिपॉजिट्स इट इनटू द पेरोल इंप्रेस्ड अकाउंट।